आखिर में मुश्किल घड़ी आ ही गई है जिस पल में किंजल को एक फैसला लेना पड़ेगा कि वे आखिर किस पक्ष की ओर जाना चाहती है। एक तरफ उसके ससुर वनराज हैं जो कि चाहते हैं कि किंजल उसी तरह से उसके साथ बेटी बनकर रहे उनके घर में जिस तरह से अनु रही थी बापूजी के साथ, लेकिन अनु कहती है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ किंजल पे निर्भर करता है कि वे उसकी तरह ज़िंदगी जीना चाहती है या फिर अपनी कहानी खुद लिखना चाहती है। हर इंसान को इस बात का पूरा पूरा हक है। आखिर किंजल क्या चॉइस लेने वाली है।